बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई जी, बहुत सुंदर करवाया आप। करवाते तो कार्यक्रम का एक अलग ही रंग आ जाता है, क्योंकि आत्मा ही आ जाती है। और आज का विषय बहुत ही सुंदर है और मुझे लगता है हर एक के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि पेन आना ये कॉमन बात है। कभी किसी को कहाँ पेन आएगा, कभी किसी को कहाँ, पता ही नहीं चलता है। ये शरीर ऐसा है कि हम लोग शरीर को बिल्कुल व्यवस्थित संभालते नहीं, उसके साथ बहुत सारा अन्याय करते हैं। तो शरीर सहन करने की ताकत उतना सहन करेगा, पर उसके बाद फिर कभी सर में पेन आएगा, कभी गर्दन में पेन आएगा, हाथ में पेन आएगा। पेन तो एक कॉमन चीज है, तो इस विषय को समझना, और वो भी एक डॉक्टर के द्वारा, और वो भी योगा के द्वारा मैनेजमेंट करना, ये बहुत सुंदर विषय है। और इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर गोविंद अस्थी नागपुर से, बहुत सारे विशेषज्ञ है, और डॉक्टर हमारी जो कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर सुमिता जी, बहुत एक्टिव है और बहुत लोगों से जुड़ी हुई है। तो ये एक अच्छे अच्छे लोगों को अपने सबके लिए ले आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम चाहते हैं आनंद भाई ने इतना बड़ा काम किया है, तो हम साथ में हाथ दे, अच्छे अच्छे लोगों को जोड़े और एक साथ अच्छे लोगों की समस्याओं का समाधान दे। तो आज पेन मैनेजमेंट थ्रू योगा लेक्चर देने हुए आए हुए गोविंद भाई जी को हम, जिनके नाम में ही गोविंद है, जिनके नाम में ही गोविंद है, ऐसे गोविंद जी का हम सहर्ष स्वागत करते हैं। तो सभी जो उपस्थित है अपने वीडियो ऑन करें, वीडियो आप मत रखिए, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, तो कम से कम आपका चेहरा तो देख सकते हैं। तो सभी को नम्र निवेदन, वेलकम वेलकम एंड वेलकम। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर सुमिता मैम को नम्र निवेदन करूंगी कि आप डॉक्टर गोविंद जी का परिचय दीजिए, ताकि हम सब लोगों को पता चले कि हमारे लिए कितने बढ़िया बढ़िया प्रशिक्षक आ रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर सुनीता जी परिचय के लिए। धन्यवाद अलका जी, आप सभी का स्वागत है एमपीके फिटनेस केंद्र और कल्याणम योग केंद्र सूरत की तरफ से। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि जो मेरे गुरु है वो ही आज हमको यहाँ गुरु करके मिले हैं, जो आज हमको योग प्राणायाम और पेन मैनेजमेंट की बहुत सुंदर टिप्स और प्रैक्टिकल करवा के लेने वाले हैं। डॉक्टर गोविंद असाद टी सर सदा ही हसमुख रहते हैं और इतने सुंदर अक्षर है, वैसा ही उनका जीवन इतना सुंदर है। सर गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज में, जो महाराष्ट्र में केवल चार गवर्नमेंट आयु पांच आयु गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेजेस है, उसमें से एक कॉलेज में प्रोफेसर है, जो रोग निदान डिपार्टमेंट, जिसमें बीमारियों का निदान करते हैं, वो डिपार्टमेंट में सर प्रोफेसर है। और सर सर के अंडर एमडी के स्टूडेंट्स होते हैं, पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं। साथ ही सर सिर्फ पढ़ाते हैं नहीं है, तो सन 2000 से सर ट्रैफिक पार्क नागपुर में जो एक सेंटर है वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट डेली योग पढ़ाते हैं। सर भारतीय योग संस्थान के नागपुर जिला के वेस्ट जोन के मंत्री है, और आज इतने अच्छे अनुभवी और जो डॉक्टर है ऐसे आज हमको मार्गदर्शक प्राप्त हुए हैं, जो पेन मैनेजमेंट थ्रू योगा इसके बारे में हमको प्रैक्टिकल करवाएंगे। पीठ दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, पैरों में दर्द, हर तरफ के दर्द के आज सर हमको टिप्स देने वाले हैं। तो मैं और उनके जो मैडम है ममता गोविंद असाठी मैम, वो भी उनका पूरा साथ देती है, आज वो हमको डेमो कराने वाली है। तो आज बहुत ही अच्छा सहयोग है, मैम भी हमारे साथ में है। तो मैं सर से निवेदन करती हूँ कि प्लीज सर आप अगला क्लास ले। थैंक यू। धन्यवाद सुमिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा परिचय देने के लिए। और मेरे साथी डॉक्टर प्रसाद देशपांडे भी आज जुड़े हैं। मेरा सौभाग्य है कि मेरे दो छात्र मेरे साथ में हैं और मेरी स्तुति करी उन्होंने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे छात्र जो हैं मुझसे आगे निकले, ऐसा मेरा मानस है। मैं सर्वप्रथम इस कार्य को जो मुझे सौंपा है, ऐसे श्री आनंदमल जी सेठिया, इनका विशेष आभार मानना चाहता हूँ। हमारे सामने आज की हमारी जो संचालिका है अलका साखला मैडम, इनका भी मैं हृदय से आभार मानना चाहता हूँ। और सभी इस जो एमपी के फिटनेस जो है प्रेक्षा ध्यान केंद्र के जितने भी साधक है सूरत और नागपुर से जुड़े हुए, सभी साधकों को मैं
नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और मैं आज के क्लास की सीधे शुरुआत करूंगा। मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है, मैं प्रात्यक्षिक में ज्यादा विश्वास रखता हूँ, थ्योरी में विश्वास मुझे कम है। आप जितना प्रात्यक्षिक परफेक्ट करेंगे, जितना आप आसन, प्राणायाम, ध्यान और सूक्ष्म क्रियाओं को यदि मन पूर्वक करते हैं तो उसके लाभ हमारे शरीर पर बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं। आज हम सबसे पहले शुरुआत करने के पहले कुछ क्रियाएं करेंगे जिसके द्वारा हमारे शरीर में यदि वेदना उत्पन्न होती है। वेदना दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक वेदना और एक मानसिक वेदना। शारीरिक वेदना तो दूर हो जाती है लेकिन मानसिक वेदना बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इसलिए साथियों एक निवेदन है, हमेशा आप इन वेदनाओं से दूर रहें। आइए हम आज के हमारा जो विषय है पेन मैनेजमेंट थ्रू योगा, या हम योगा के माध्यम से हमारी वेदनाएं कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं हमारे डेमो जो हैं इनसे कहना चाहूंगा कि उनको आप फॉलो करेंगे और फॉलो करके आप उस प्रकार से क्रियाएं करेंगे। सभी साधकों से निवेदन है कि कृपया अपने आसन पर बैठ जाएं, सुखासन में बैठें, आसन पर बैठ जाएं। पूरा ध्यान सांसों की क्रियाओं पर केंद्रित कर लें, सांसों को सामान्य करें। हमारी जो आती जाती सांसें हैं उन सांसों को सामान्य कर लें। आसन में पद्मासन, सुखासन या जो भी आपको आसन मतलब सुखी आसन हो उसमें उस आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा आपको सभी को ज्ञात है, पहले नंबर की उंगली और अंगूठा टच कर दे, बाकी की तीन उंगलियां खुली हुई और दोनों हाथ घुटनों पर रख दे। आंखें कोमलता से बंद रखें। कोई भी साधना करते समय यदि हमारी आंखें खुली रहती है तो उसका लाभ हमें पूरा नहीं मिलता है। यदि हमारी आंखें बंद रहती हैं तो उसका लाभ हमारे शरीर को पूरा मिलता है। या आप समझ ले एक बात को, विशेष रूप से चाहे आसन हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे ध्यान हो। आइए हम गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करेंगे। गहरे लंबे श्वास शब्द का अर्थ होता है अपनी श्वासों की क्रियाओं को थोड़ा सा सामान्य श्वास की अपेक्षा उसको और अधिक मतलब गहराई से लेने का अभ्यास। आइए कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर केंद्रित कीजिए, जहां पर भ्रूमध्य पर, जहां पुरुष वर्ग तिलक लगाते हैं और महिलाएं बिंदी लगाती हैं। श्वास को पूरा बाहर निकालें, एक्सेल कर दें, श्वास छोड़ दें। नाभि का संकोच करें, नाभि अंदर की तरफ खींचें, मूल बंध लगाएं। मूल बंध का अर्थ होता है हमारा जो गुदा मार्ग है, गुदा मूल है, उसको ऊपर की ओर खींचें, बंध लगा लें। कुछ क्षण रुकें, पेट ढीला छोड़ दें। अभी हमें नाभि से कंठ तक गहरा लंबा श्वास भरना है। क्रिया प्रारंभ करें, नाभि से कंठ तक शनै शनै गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास रोकें, मूल बंध भी लगाएं। कुंभक का अभ्यास करना है, जिन्हें हृदय रोग है, हाइपरटेंशन है, वो लोग कुंभक न लगाएं। कुंभक खोलते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर, पूरी श्वास छोड़ दें और नाभि मूल अंदर की ओर खींचे, खींचे पेट को अंदर की तरफ, थोड़ा और खींचे, प्रभाव महसूस करें, मूल बंध लगा रहेगा, पेट ढीला छोड़ दें। ये हमारी एक आवृत्ति हुई है, ऐसी तीन आवृत्तियां करना है। श्वास भरें, कुंभक श्वास को रोकें, मूल बंध लगाएं, बुध मार्ग को ऊपर खींचे, बंद खोलते हुए श्वास शनै शनै बाहर,
फिर से नाभि का संकोच करें, सुंदर अंगूठी महसूस करें, पेट ढीला छोड़ दें, श्वास भरें। जब भरें तो नाभि से कंठ तक पूरा श्वास भरें, आनंद पूर्वक गहरे लंबे श्वास से हम दीर्घायु होते हैं, हमारे फेफड़े पुष्ट होते हैं, फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। कोरोना काल में अभी हमें गहरे लंबे श्वास की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। श्वास बाहर, शांत। हमने 3 बार क्रिया किया है, इसके प्रभाव को भी महसूस करना है। 3 बार ओम ध्वनि 2-1 के अनुपात में, तत्पश्चात गायत्री मंत्र अर्थ सहित। आइए ओम ध्वनि के लिए गहरा लंबा श्वास भरें, ओम ध्वनि 1 साथ प्रारंभ करें। शांत। ओम ध्वनि से हमारी मन की एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत, मन की लघु लहरियां समाप्त, कोमलता से आंखें खोलें और दोनों हाथों को आंखों पे घुमा लें। एक बार हम फिर से आंखें बंद कर लें, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे 1 साथ में। सभी को गायत्री मंत्र मेरे साथ में ही उच्चारित करने का है। गायत्री मंत्र के लिए श्वास भरें, ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यः सर्वो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका भावार्थ है, हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारे बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारे बुद्धियों में प्रकाशित रहें एवं हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से आंखें खोलें, आज हम सबसे पहले पेन मैनेजमेंट के लिए पूरे शरीर को तैयार करेंगे। अपन पेन कैसे कम करना, हमें सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करने जाएंगे, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। दोनों पैरों को सीधा कर लें, पैर सीधा करिए, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां घुटनों पर रखें, सूचनाओं का पालन करते जाएं, आप जो बोल रहे हैं उसको सुने और करते जाएं, और आप डेमो में भी देखें। हथेलियां घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, जिन्हें संभव है आंखें खुली रखें, जिन्हें नहीं है वो लोग बंद कर सकते हैं आंखें। पंजे ताने,
दोनों पैर के पंजे और दसों उंगलियां नीचे की तरफ पृथ्वी की तरफ ताने। डेमो में देख लीजिए आप एक बार, तानिए थोड़ा और ताने, पूरा ध्यान एड़ियों पर और दसों उंगलियों पर केंद्रित करें। इससे हमारे उंगलियों की वेदना, टखनों की वेदना, एड़ियों की वेदना कम होती है। पैर ढीला छोड़ दें, वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं, दोनों पैर के पंजे फिर से पेट की तरफ खींचें, खींचिए पेट की तरफ, थोड़ा स्ट्रेच करिए, उंगलियां मिली रहे, ध्यान रखे अंगूठे मिले रहे, खुलना नहीं चाहिए, थोड़ा और खींचें, प्रभाव महसूस करें, एड़ियां, टखने, पिंडलियां, जंघाएं, घुटनों पर प्रभाव। एक आज विशेष बात बताना चाहता हूं आपको मैं, हमारे दसों उंगलियों का और पैर के पंजों का संबंध हमारे रीढ़ से है, इससे हमारे रीढ़ का दर्द कम होता है। चलिए इस क्रिया को दोहरा लेंगे, पंजे ताने नीचे की तरफ, थोड़ा और ताने, बहुत सुंदर, प्रभाव महसूस करें, वापिस पंजे पेट की तरफ, पीछे खींचे, खींचिए पीछे थोड़ा सा, और थोड़ा पीछे खींचे, प्रभाव महसूस करें, टखनों पर प्रभाव आ रहा है, पिंडलियों पर प्रभाव आ रहा है, प्रभाव महसूस करना है क्रिया करते समय। एक बार और करेंगे, वापस पंजे ताने नीचे की तरफ, स्ट्रेच, जब मैं स्ट्रेच बोलता हूं तो पूरे पंजे तानना है, पूरे शक्ति के साथ में, अपनी क्षमता के अनुसार ताने, रुकना है, वापस पेट की तरफ, खींचे पेट की तरफ थोड़ा सा, रुक जाएं, रुक जाएं। एंकल रोटेशन, दोनों पैर की एड़ियों को घड़ी की दिशा में गोलाकार घुमाना है। डेमो में देख लीजिए आप, अंगूठे मिले रहें, पूरा गोल सर्कल बनाना है घड़ी की दिशा में, बहुत सुंदर। मैं देख रहा हूं मनोज जी, मनोज गांधी जी और मैडम बहुत अच्छा कर रही है, करते रहिए, क्रिया को 3 से 5 बार करना है, बहुत सुंदर। उल्टा एंटी क्लॉक, सभी अपने अपने वीडियो चालू कर ले। हाँ वीडियो यहाँ कर लीजिए सर। एंटी क्लॉक उल्टा, ध्यान क्रियाओं पर रखना है आपको, इससे हमारे टखने का दर्द दूर होता है, टखने फ्री होते हैं, पैर के टखनों में पंजों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है। रुक जाएं, अभी दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर के जंघा पर रख दें, देख लीजिए डेमो में आप, और घुटने को छाती के निकट लाएं, लाइए ऊपर, छाती को स्पर्श करें, आंखें बंद, बहुत सुंदर, दबाइए थोड़ा सा, तभी तो प्रभाव होगा। अभी हमारे हिप जॉइंट का दर्द कम होता है, इससे कूल्हे की हड्डी इससे फ्री होती। अब इसको घुटने को नीचे ले जाएं, नीचे पृथ्वी पर लगाने का प्रयास करें, जिनका लगता है वे ही लगाएं, नहीं लगता है थोड़ा सा प्रयास करें, प्रयास पूर्वक, बहुत सुंदर, दबाइए नीचे, ऊपर ऊपर लाइए, दबाइए पेट को, पेट को दबाइए, पेट का मोटापा कम होता है इससे। नीचे ऊपर नीचे नीचे, धीरे से पैर को रिलैक्स कर लें, रुक जाएं। अभी हम दाहिने पैर का झूला करेंगे, छोटे बच्चे को गोदी में कैसा लेते हैं वैसा गोदी में ले लीजिए, ये अपना छोटा बच्चा है, इसको अभी दाहिने पैर को अपने छाती के समांतर ऐसा झूला झुलाना है। डेमो में देख लीजिए आप, बहुत सुंदर, पूरा जाना चाहिए लेफ्ट राइट, पूरा लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, बहुत सुंदर, थोड़ा सा गति के साथ में करना है। जिन्हें कमर दर्द है वो लोग धीरे धीरे करें, कर लीजिए, इससे हमारा हिप ज्वाइंट फ्री। इसका बहुत महत्व है, जब भी हम आसन में जाते हैं, प्राणायाम में जाते हैं, तो सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है। रुक जाएं, वापस धीरे से दाहिना पैर सीधा कर दें। अब यही क्रिया बाएं पैर से करेंगे, बाएं पैर को सबसे पहले दाएं पैर के जंघा पर रख दें, और अभी हमें इसको बाएं पैर को घुटने को पकड़ लें, ग्रिप बना लें और छाती के निकट लाएं, पकड़ लें उसको घुटने को, ऐसा, बहुत सुंदर मनोज जी, बहुत सही कर रहे हैं,
पूरा छाती का बस लाइए और थोड़ा दबाए दबाइए उसको, इससे पेट का मोटापा कम होता है हमारा और पेट की वेदनाएं फूले की हड्डी की भी वेदनाएं कम होती है। नीचे नीचे ले जाइए, पूरा नीचे ले जाएं, बहुत सुंदर, दबाइए थोड़ा सा, तब तो उसका फायदा होगा नहीं तो नहीं होगा। पूरा प्रेस करिए, करिए उसको, बहुत सुंदर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऊपर नीचे रुकना है, जब नीचे बोलते हैं तो रुकना है, थोड़ा प्रेस करिए, ऊपर ऊपर लाइए, दबाइए पेट को, नीचे नीचे, एक बार और कर लें, ऊपर नीचे नीचे, सुंदर। धीरे से रुक जाएं, कुछ पल रुकें। बाएं पैर का झूला, बाएं पैर को पकड़ लें बच्चे के समान, गोदी में पकड़ लें उसको और झुलाएं इसको, ये पूरा झोंका आना चाहिए ऐसे। देखिए आप डेमो में देखें और करते जाएं, थोड़ा गति के साथ में करें, इससे हमारे हिप ज्वाइंट फ्री होते हैं और हमारे कमर का भी दर्द कम होता है, कूल्हे का हड्डी का दर्द कम हो जाता है। बहुत सुंदर कर रहे हैं आप लोग। रुक जाएं, शांत शांत हो जाएं। धीरे से दोनों पैर सीधे, कुछ पल का विश्राम, हर क्रिया के बाद कुछ सेकंड का विश्राम अवश्य करें, नहीं तो शरीर की मांसपेशियां थक जाती हैं और हमें फिर आसन प्राणायाम के बाद वेदनाएं शुरू हो जाती है, इसलिए रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। कुछ पल का करें, 10 सेकंड 5 सेकंड का जरूर करें। सभी साधक अपने आसन पर खड़े हो जाएं, आसन पर खड़े हो जाएं, अभी हम स्कंद संचालन करने जा रहे हैं, स्कंद संचालन, आसन पर खड़े हो जाएं। अभी डेमो में आप देख सकते हैं स्कंद संचालन, एड़ी पंजे मिलाए, एड़िया पंजे मिला के रखें, दोनों हो जाए कमर के साथ, मिलाए कमर के साथ। हेलो, एड़ी पंजे मिला ले, हो जाए कमर के साथ, करना पड़ेगा धीरे, पांच घटी किसान माइक कर रहे, माइक बंद कर दीजिए, ममता मैम बैठ के ही करिए, कैमरा सेट कीजिए, बैठ के कर लो, ध्यान दीजिए ऊपर, दोनों भुजाएं कमर के साथ, सांस करते हुए धीरे धीरे बहुत ज्यादा बगल से ऊपर कैसे जाते हैं, और ये हमारा हथेलियां बाहर की तरफ, दोनों हाथ की हथेलियां बाहर की तरफ, हथेलियों पर कमर को लगाएं, सांस भरते हुए खींचे और खींचे थोड़ा सा, खींचे ऊपर में, सांसों के साथ में करना है, प्रभाव महसूस करें, कंधे का दर्द कम हो रहा है, कोहनियों का दर्द कम हो रहा है, छाती का दर्द कम हो रहा है, सांस छोड़ती हुए दोनों भुजाएं बगल से वापस लाएं, देखिए डेमो में देखिए कैसे लाना है, देखिए हाँ ऐसे, इस क्रिया को एक बार हम अच्छे से दोहराएंगे, ठीक है, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाएं ऊपर, बगल से साइड से, साइड से ले जाइए ऊपर और ऊपर, कानों को लगा दीजिए, दोनों हाथ के दंड कानों को लग जाए, सुंदर, ये ऐसे लगना चाहिए, ताने हाथों को ऊपर, हथेलियां बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ आएंगी, ताने ऊपर, सुंदर, प्रभाव महसूस करें, इसको बोलते हैं स्कंद संचालन क्रमांक 1 है। धीरे धीरे वापस, धीरे से दोनों हाथ कमर के पास में, ढीला छोड़ दे, एकदम ढीला छोड़ दे, बहुत सुंदर। अभी हमें गर्दन के दर्द के लिए एक व्यायाम करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं अपोजिट फोर्स। डेमो में देखिए दोनों हाथ गर्दन के पीछे ऐसे, जो लोग को खड़े लेके संभव नहीं हो लोग बैठ के भी कर सकते हैं, ऐसे रखिए, देखिए हाँ बहुत बढ़िया जैन साहब, बहुत बढ़िया, भोपाल से दिख रहे हैं मुझे। अभी हमें दोनों कोहनियां सामने खींचना है और गर्दन को पीछे खींचिए, कोहनियां सामने खींचिए, कंधे से कोहनियां सामने खींचिए, गर्दन पीछे, गर्दन पीछे खींचिए,
बहुत सुंदर, रिलैक्स, जगह पे रिलैक्स कर दे। इस क्रिया को दोहरा लेंगे एक बार, ग्रिप को पकड़ लीजिए, इससे कोहनिया सामने खींचे एक बार, ऐसे खींचिए और खींचिए, खींचे सामने, दोनों कोहनिया कंधे से सामने खींचे, गर्दन पीछे। देखिए इससे इसका प्रभाव हमारे कंधों पर हो रहा है, कंधों की मांसपेशियों पर हो रहा है, इससे हमारे कंधे पुष्ट होते हैं और गर्दन का दर्द भी कम होता है। ये क्रिया को हम लोग सूक्ष्मायाम के अंतर्गत लेते हैं। बहुत सुंदर, सभी लोग धीरे से हाथ निकाल देंगे, वापस आ जाएं, वज्रासन की स्थिति में बैठें। आज हम एक नया आसन करने जा रहे हैं, आसन का नाम है मार्जर आसन। कौन सा आसन है? मार्जर आसन। वज्रासन में बैठें, वज्रासन में बैठना है। जो लोग नहीं बैठ सकते हैं वो लोग अर्ध वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ पहले घुटनों के बल खड़े हो जाएं, सूचना है सुनेंगे, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। धीरे धीरे दोनों हाथ सामने की तरफ रख दें पृथ्वी पर और घोड़ा बन जाए। छोटे बच्चे घोड़ा कैसे बनते हैं वैसा बन जाए। इसमें एक ध्यान रखना है, हमारे दोनों हाथ और घुटने से ऊपर का भाग लंबवत होना चाहिए, सीधा रहे, तिरछा नहीं रहेगा। दोनों हाथ और कमर से घुटनों से ऊपर का भाग सीधा, गर्दन सामने की तरफ में, सामने देखें। अभी हमें श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाना है, श्वास भरें, गर्दन को ऊपर उठाएं और कमर को नीचे दबाना है, कमर को नीचे दबाएं। बहुत सुंदर प्रभाव देखिए इसका, रीढ़ पर प्रभाव हो रहा है। कमर दर्द वालों के लिए स्लिप डिस्क, स्लिप डिस्क, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, कमर के दर्द के लिए रामबाण आसन है, मार्जर आसन। आसन का नाम क्या है? मार्जर आसन। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाएं, थोड़ी छाती को लगाएं, छाती को लगाइए और कुबड़ को ऊपर उठा लें, कमर को ऊपर उठाएं, कुबड़ उठाइए ऊपर, डेमो में देखिए, उठाइए ऊपर और ऊपर उठाइए और थोड़ी छाती को लगाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, प्रभाव को महसूस करें। कमर दर्द के लिए रामबाण, इस क्रिया को एक बार करेंगे। वापस गर्दन को श्वास भरते ऊपर उठाएं, गर्दन ऊपर, कमर नीचे, दबाइए कमर को नीचे, थोड़ा और दबाइए, कमर को दबाना नीचे, गर्दन अधिक से अधिक ऊपर। कितना सुंदर प्रभाव पड़ रहा है हमारे रीढ़ पर, रीढ़ का दर्द कम होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, थोरेसिक स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कम होता है इससे। ये इसके लिए रामबाण है, ये रामबाण उपाय है, मार्जर आसन। धीरे धीरे नीचे श्वास छोड़ते हुए थोड़ी छाती को लगा दें, श्वास छोड़ते हुए करना है, थोड़ी छाती को लगाएं और कुबड़ उठा लें ऊपर, कमर को उठाएं ऊपर। हाँ मनोज जी, कमर उठाइए ऊपर, बहुत सुंदर, उठाइए ऊपर, थोड़ा और उठाइए ऊपर, रुकना है, प्रभाव को महसूस करें। वापस धीरे से रिलैक्स हो जाएं, धीरे से धीरे धीरे पीछे आ जाएं, वज्रासन में बैठ जाएं। वापस कुछ पल का विश्राम, श्वासों को सामान्य कर दें। देखिए मैं जितने भी आसन करा रहा हूं आज, केवल पेन मैनेजमेंट के लिए, दर्द कम करने के लिए, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, गर्दन का दर्द, इसके लिए है। जिन्हें घुटनों में दर्द है वो लोग वज्रासन में ज्यादा देर ना बैठे। अगर जिन्हें आर्थराइटिस है तो उसके लिए अपन एक अलग आसन कराऊंगा, मैं आपको बताता हूं। चलिए वज्रासन से बाहर आ जाएं, सभी वज्रासन से बाहर आ जाएं, सभी लोग पीठ के बल आ जाएं, पीठ के बल, पीठ पे लेट जाएं, पीठ पे सो जाएं, पीठ के बल लेटे। बहुत सुंदर। अगला आसन हम करने जा रहे हैं सेतु बंधासन, या इस आसन का नाम है कंधार आसन। कंधार आसन या सेतु बंधासन, दोनों पैर के घुटने मोड़ लें, एड़ियां नितंब के साथ, थोड़ा और नजदीक लाएं, लाइए नजदीक, टखने पकड़ें, पांचों उंगलियां सामने की तरफ पकड़ लें, पहले कोशिश करें। अभी हमें पैर के पंजों पर और कंधों पर भार देते हुए कमर को उठाना, ऊपर उठाइए मनोज जी, कमर उठाइए ऊपर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। टखने छूटना नहीं चाहिए, जिनके पकड़ में नहीं आ रहे वो लोग बिना पकड़ भी कर सकते हैं। उठाइए कमर को ऊपर, कमर दर्द वालों के लिए सबसे बेस्ट आसन है ये रामबाण आसन। चाहे आप एरोबिक्स में चले जाओ, जिम में चले जाओ, तो वो लोग कराते, लेकिन हम कराने की विधि हमारी अलग है। श्वासों को रोकना है,
पूरी श्वास को रोक के रखना है। प्रत्येक प्राणायाम धीरे धीरे वापस आ जाए, वापस। आसन का नाम है सेतु बंधासन या कंधार आसन। इस क्रिया को एक बार अच्छे से करेंगे। चलिए टखने पकड़े, जिनको पकड़ सकते हैं पकड़े, घुटने नजदीक लाए पहले, और पीछे लाइए, थोड़ा सा लाइए पीछे, जैन साहब थोड़ा पीछे लाइए, पकड़िए उसको, पकड़ लीजिए ऐसा। और अभी पैर के पंजों पर भार देते हुए और कंधों पर भार देते हुए कमर को उठाइए ऊपर, और उठाए थोड़ा सा ऊपर, कमर उठेंगी ऊपर। बहुत सुंदर मनोज जी, बहुत सुंदर किया है, हाँ बहुत सुंदर। थोड़ी कंठ को लग जाएंगी, थोड़ी हमारी छाती को लगना चाहिए, और पैर को दबाना है, क्षमता अनुसार रुकना है, जबरदस्ती नहीं करना है। प्रभाव महसूस करें। कमर दर्द वालों के लिए रामबाण आसन है, सबसे बढ़िया आसन है। देखिए इसका प्रभाव, इंस्टेंट कमर दर्द कम होता है। आप महसूस कर लें, आपको जब भी कमर में जर्क बैठ जाए या कमर में दर्द हो जाए, धीरे धीरे वापस श्वासों को सामान्य करें। जैन साहब वापस आ जाइए, बहुत सुंदर किया, बहुत सुंदर कर रहे हैं सब लोग, बहुत सुंदर। वापस धीरे से करवट पे आ जाएं और पेट के बल आ जाएं। सभी लोग पेट के बल आ जाएंगे, पेट के बल, पेट पे आ जाइए, टेढ़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां सामने की तरफ। हम लोग अभी करने जा रहे हैं तिर्यक भुजंगासन। टेढ़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां ठोड़ी के अगल बगल, ठोड़ी के दाएं बाएं, चेहरे के अगल बगल, हथेलियों पर भार देते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को उठाएं, कोहनियां सीधी कर दें, कोहनियां सीधी। डेमो में देखिए, आप डेमो में देखिए, पूरा सीधा करिए कोहनियां, कोहनियां सीधी, गर्दन से दाहिनी ओर से दाहिनी पर केड़े देखें, दाहिनी ओर से दाहिनी पर केड़े देखें, टर्न योर नेक राइट साइड, देखिए दाहिनी ओर से दाहिनी पर केड़े देखें। इसमें केवल गर्दन का, गर्दन घूमेंगी, गर्दन प्रभाव में रहेंगी। एड़ी देखना, एड़ी कंधे की तरफ से, बहुत सुंदर। धीरे धीरे बाई ओर केड़े देखिए, प्रभाव महसूस कीजिए। पूरी रीढ़ घूम रही है हमारी, गर्दन घूम रही है, सॉरी गर्दन और पीठ प्रभाव में, फेफड़े प्रभाव में, फेफड़ों का दर्द कम, गर्दन का दर्द कम, स्पॉन्डिलाइटिस कम होता है। राइट साइड फिर से दाहिनी ओर देखें, बहुत सुंदर है मनोज जी, बहुत बढ़िया। जैन साहब करिए ना, एचआर जैन साहब करिए, हाँ करिए करिए, सुंदर। बाईं ओर, लेफ्ट साइड, गर्दन को अधिक से अधिक बाईं ओर ले जाइए। इसमें कोहनियां सीधी रहेंगी आपके हाथों की, कोहनियां मुड़ना नहीं चाहिए, हाँ ऐसे ऐसे, बहुत सुंदर। प्रभाव को महसूस करना है। ये भी आसन कमर दर्द के लिए रामबाण आसन है। वापस आ जाएं धीरे धीरे नीचे, और दाहिनी ओर शिथिलासन, दाहिना हाथ दाहिना पर सीधा करें, बाएं पैर को मोड़ करके बाएं पैर की घुटने को लगा दें, और बायां हाथ चेहरे के समांतर। छोटा बच्चा सोता है ना, वैसे सोना है, इसको हम बोलते हैं शिशु आसन। दाहिना हाथ दाहिना पर स्ट्रेट रहेगा, बायां पैर बायां हाथ मुड़ा रहेगा, हाँ। अभी डेमो में देख लीजिए आप, समझ में आ जाएगा। पूरा शरीर रिलैक्स छोड़ दीजिए। देखिए ये आसन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं शिशु आसन। बच्चे लोग अक्सर करके इस आसन में सोते हैं, इसलिए बच्चे जल्दी फ्रेश होते हैं, बच्चे थकान नहीं महसूस करते हैं। ये जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, बीपी ज्यादा रहता है, उनके लिए दाहिनी ओर शिथिलासन, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए। इससे हमारा बीपी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होता है। धीरे से सजग हो जाएंगे सभी लोग, पीठ के बल पे आ जाएं, थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे, पीठ के बल आइए, पीठ के बल, सुंदर। अगर किसी को थकान महसूस हो रही तो बता देना, मैं कम करूंगा थोड़ा सा, आपको क्षमता अनुसार करना है। अभी हम करने जा रहे हैं मर्कटासन।
फीट के बल लेटें, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पैर के घुटने खड़े कर दें, एड़ियां नितंब से लगाएं, थोड़ा नजदीक लाएं एड़ियां, और नजदीक लाएं, भुजाएं बगल में कसी हुई, डेमो में देखें भुजाएं ऐसे कसी होना चाहिए, दोनों हाथ को ऐसे कस ले, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, बहुत सुंदर कर रहे हैं। धीरे धीरे दोनों पैर के घुटनों को दाहिनी ओर सुला, बाईं ओर सुला दें, दाहिनी ओर, सॉरी दाहिनी ओर, घुटने पर घुटना, घुटने पर घुटना आना चाहिए। जैन साहब करिए, भोपाल, एड़ी पर एड़ी, गर्दन अपोजिट साइड, गर्दन विपरीत दिशा में, जैसे कपड़े को हम पीड़ते हैं उस प्रकार से कपड़े को निचोड़ते हैं, वैसे हमारे कमर को ट्विस्ट करना है, पूरी कमर ट्विस्ट हो रही है इसमें। घुटने पर घुटना लाइए, कुछ लोगों का नहीं आ रहा, करिए इसको, जरा प्रभाव महसूस करें, इससे हमारे रीढ़ के दोष समाप्त होते हैं, कमर दर्द ठीक होता है। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए सबसे बेस्ट आसन है ये मरकट आसन। रुकना है, धीरे धीरे वापस अपोजिट साइड करेंगे, दूसरी तरफ, लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, पैरों को लेफ्ट साइड में लाना है, गर्दन को राइट साइड में लाने का है, घुटने पे घुटना आना चाहिए। जैन साहब, घुटने पे घुटना लाइए, हाँ बहुत सुंदर, दोनों हाथ सीधे रहेंगे, हाथ दोनों बगल में कसे हुए रखें, हाथों को कसके रखना है, दोनों हाथ साइड में, और थोड़ा कसके रखें, बहुत सुंदर प्रभाव महसूस करें, कमर पर सुंदर प्रभाव आ रहा है इसका। वापिस एक बार और कर ले, राइट साइड, राइट साइड, बहुत सुंदर। सभी लोग अपने वीडियो ऑन कर लें, जो लोग नहीं है जिनके, बहुत सुंदर। लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड आएंगी, अपोजिट साइड में, गर्दन को दूसरी तरफ ले जाना, जरा दबाना है इसको, तभी तो प्रभाव आएगा, दबाइए, घुटने पे घुटना लाइए, ऐसे, बहुत अच्छे। जैन साहब आपके हाथ बराबर नहीं है, हाथ को सीधा करिए, कंधे के सीध में, कंधे के सीध में सीधा रखना है, हाथों को तान के, अभी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तान के रखिए हाथों को, पूरा खींचिए और प्रभाव महसूस करिए। कमर दर्द वालों के लिए, बैक पेन के लिए, बैकएक के लिए, कमर दर्द स्पॉन्डिलाइटिस के लिए सबसे उत्तम आसन है ये मरकट आसन, बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस इसकी हम दूसरी कड़ी करेंगे। अभी दोनों पैरों को फिर से खड़ा कर दें, पैरों में कंधे जितना फासला, थोड़ा अंतर कर दें, पैरों में अंतर करें, घुटने खड़े, पैरों में थोड़ा दूर कर दें, पैर को दूर करें, और अभी धीरे धीरे दाहिने पैर के घुटने को बाएं पैर की एड़ी को लगा दें, अंगूठे को लगाएं, दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर के एड़ी से लगाएं, करिए प्रेस करिए ऐसे, हाँ मानसी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, पूरा प्रेस करिए, लगना चाहिए, घुटना लगाइए, बहुत सुंदर, मैं देख रहा हूं यहां से, बहुत सुंदर कर रहे हैं। गर्दन अपोजिट साइड में रहेंगे, इसमें प्रभाव महसूस कीजिए, कमर दर्द वालों के लिए रामबाण आसन है, रामबाण उपाय। धीरे धीरे वापस, अब यही क्रिया हम लोग बाईं तरफ करेंगे, बाएं दाहिने पैर का घुटना बाएं पैर के अंगूठे को लगा दे, लगाइए पूरा अपोजिट साइड, सुंदर, बहुत सुंदर। भुजाएं कसके रखें, भुजाएं सीधी टाइट रखें, दोनों कंधे के सीध में एकदम स्ट्रेट रखेंगे, भुजाओं को स्ट्रेट रखें, कंधे के सीध में, कंधे के सीध में रखें, तभी इसका प्रभाव। गर्दन अपोजिट साइड में रहेंगी, यदि हमारे पैर लेफ्ट साइड में है तो गर्दन राइट साइड में, राइट, बहुत बढ़िया, करिए राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कर रहे हैं। फिर से वापस अपोजिट साइड, गर्दन राइट साइड और दाहिने पैर का घुटना बाएं पैर के अंगूठे को लगा दे, प्रेस करिए थोड़ा सा, दबाइए इसको,
इससे पेट का मोटापा कम होता है, पेट की चर्बी अतिरिक्त चर्बी कम होती है। धीरे धीरे वापस शांत हो जाएं। अभी हम लोग सब लोग शवासन करेंगे। शवासन पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, मनोज पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों हाथ की हथेलियां कमर से 6 इंच की दूरी पर, पैर के पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, पूरा शरीर छोड़ दीजिए, रिलैक्स, कुछ नहीं करना है। गर्दन थोड़ी सी दाईं ओर या बाईं ओर, सांसों की गति को सामान्य करें, एकदम नॉर्मल कर लें, सांसों की गति सामान्य करें। पैर के पंजों से लेकर सिर की चोटी तक एवं सिर की चोटी से लेकर पैर के पंजों तक संपूर्ण ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन करें। एक एक अवयव पर ध्यान लेके जाएं और शिथिल करें। दोनों पैर के पंजे, एड़ियां, घुटने, जंघाएं, कमर के जोड़ ढीला छोड़ दें। दोनों हाथों की दसों उंगलियां, मनगट, अग्रबाहु, भुजबली, कंधा ढीला छोड़ दें। पेट के निष्कासित अंग, पेट के अवयव नाभि के साथ ढीला छोड़ दें। छाती, फेफड़े, हृदय ढीला छोड़ दें। पीठ पे ध्यान ले जाएंगे। पीठ का दाहिना कंधा, दाई ओर की कमर, दाई कंधा, दाई पीठ, दाई कमर ढीला छोड़ दें। बाया कंधा, बाई पीठ, बाई कमर ढीला छोड़ दें। गर्दन के 7 मन के, पीठ के 12 मन के, कमर के 5 मन के और सैक्रम के 6 मन के, टोटल कमर की 33 गोटियां ढीला छोड़ दें। शवासन एकमात्र आसन है जब भी हम ऑफिस से आते हैं या कहीं काम से आते हैं, शरीर थक जाता है, कम से कम 2 से 3 मिनट का शवासन कर लें तो पूरी दिन भर की थकान निकल जाती है और हमारा शरीर पूरा तरोताज हो जाता है, हम फ्रेश महसूस करते हैं। जब भी आप थकान महसूस करें, शवासन अवश्य करें। पूरा शरीर रिलैक्स हो गया, हमारी हृदय की गति भी कम होगी। शवासन का समय समाप्त। हाथ पैरों में हलचल, दोनों एड़ी पंजे मिला लें। दाहिनी करवट, दाहिनी करवट पे आ जाएं, दाहिनी करवट और दाहिनी कोहनी का सहारा लेके उठ के बैठ जाएं। मनोज जी उठ के बैठ जाएं। समय कम है, थोड़ा सा अपन 5 मिनट में मतलब समाप्त करेंगे। आइए, एक हम महत्वपूर्ण क्रिया करने जा रहे हैं जिसे हमारे योग की भाषा में कहते हैं हंसी, मस्ती भरी मधुर हंसी। कितने लोग करते मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग हंसी रोज करते हैं। हंसने से हमारे ब्रेन के अंदर में हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन अच्छा होता है और कॉर्टिसोल लेवल कम होने से मानसिक थकान कम हो जाती है, मन हमारा प्रफुल्लित करेंगे। एक साथ में हंसना प्रारंभ करें, दिल खोल करके और एक बार बहुत सुंदर जैन साहब, एक बार और पूरा मन प्रसन्न हो गया है, पूरा शरीर का दर्द कम हो गए हैं सब लोग, बहुत बढ़िया। आइए हम लोग एक प्राणायाम कर, प्राणायाम सभी लोग पद्मासन में बैठे, पद्मासन, सुखासन और आसन में बैठे। काकी प्राणायाम का अर्थ होता है काक का अर्थ होता है आपने क्रो क्रो कौवे का समान चोंच बनाई है, मेरे तरफ देखिए आप एक बार करना है, चोंच बनाइए और हमारे करें, श्वास अंदर खींचिए आवाज के साथ में, पूरी श्वास खींचने के बाद
सांस को रोकिए थोड़ी देर और नासिका से समझ में आ गया समझ के करेंगे। मुंह को गोलाकार बनाएं, चोंच बनाएं, और नासिका से श्वास बाहर पर समझ के करेंगे। फिर से चोंच बनाइए कभी भी की, श्वास बाहर काकी प्राणायाम बहुत सुंदर चीज हो गई है। लंग्स की बीमारियां हो गई है, वो लंग्स कम करने के लिए ये प्राणायाम सबसे अच्छा है। जिनको श्वास लेने में तकलीफ, प्राणायाम जानते सब जानते, मैं आज भ्रामरी प्राणायाम नहीं लूंगा, समय कम है। 3 मिनट का ध्यान करेंगे, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, ओम शब्द का मन ही मन मानसिक जाप करें, मन ही मन ओम शब्द को दोहराएं। अजपा जाप, ओम की ध्वनि को शांत करें। ध्यान की अवस्था से हमारी सकारात्मक सोच बढ़ती है, मन शांत होता है, हमारे कार्यों में गलती नहीं होती है, हम अंतर्मुखी होते हैं, हमारा मन अंतर्मुखी होता है, मन शांत, इंद्रियां अंतर्मुखी, मन की लघु लहरियां समाप्त, महसूस करें। ध्यान हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। एक बार दीर्घ ध्वनि के लिए सब लोग गहरा लंबा श्वास भरेंगे। आज की हम लोग साधना का समापन महामृत्युंजय मंत्र से करेंगे। सभी को जिन्हें आता वो लोग कहें ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
पूर्वारूपमेव बन्धनान् मृत्यो मुच्यम् अमृतात् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कुछ पल शांत बैठें, आसन से शरीर शुद्धि, प्राणायाम से मन की शुद्धि और ध्यान से चित्त की शुद्धि। आइए आज हमने हमारे शरीर की वेदनाओं को कम करने के लिए सूक्ष्म क्रियाएं, आसन, प्राणायाम एवं ध्यान का संक्षिप्त अभ्यास किया है। हमारे दैनंदिन जीवन में इसका हम नित्य अभ्यास करें तो हमारा जीवन हमेशा अच्छा रहेगा, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। कोमलता से आंखें खोल दीजिए, कोमलता से आंखें खोल लें। आज हमने जो हमारा विषय था कि पेन मैनेजमेंट, सबसे पहले तो वेदना क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो मिनट सुन लेंगे केवल। वेदना शब्द का अर्थ होता है जिसको हम बोलेंगे शरीर के अंदर में प्रतिकूल क्रिया, या जिसे हम बोलेंगे अनप्लीजेंट फीलिंग। जब हमारा मन अनप्लीजेंट फीलिंग करता है तब हमें वेदना होती है। वेदना से निजात पाने के लिए हमें क्या करना है, हमें हमारे ब्रेन के अंदर में जो हैप्पी हार्मोन्स है उनको एक्टिवेट करना है, इससे हमारी बहुत सारी मानसिक वेदनाएं कम हो जाती है। और उसके साथ में हमारे शरीर में यदि हम सकारात्मक विचार रखते हैं, पॉजिटिव सजेशन देते हैं, तो उससे भी हमारी बहुत सारी वेदनाएं कम हो जाती है। और सबसे उत्तम उपाय है शवासन। शवासन में कुछ पल शांत बैठना, 5 मिनट, 3 मिनट, 7 मिनट, समय के अनुसार आप शवासन अवश्य करें और उसमें पॉजिटिव संदेश दे दीजिए कि मेरी वेदनाएं कम हो रही है, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। यदि हम ये करते हैं तो इससे हम बहुत ज्यादा इससे निजात पा सकते हैं। और अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपने परिवार के साथ में समय बिताएं, परिवार को समय दें, अच्छा संगीत सुने, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहें, तो मैं जहां तक समझता हूं कि आप कभी वेदनाओं के शिकार नहीं होंगे, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। सभी को सुनने के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया है, मेरी दूसरी मीटिंग है, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। कभी समय मिलेगा तो फिर मैं एक बार आपको मतलब जरूर मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। महिलाओं की एक अभी समस्या, बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, वेरिकोज वेंस और टेनिस एल्बो। दिन भर लेडीज लोग किचन में खड़े खड़े काम करना पड़ता है तो उनको वेरिकोज वेंस की शिकायत बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसके लिए कुछ आप बताना चाहेंगे? आनंद जी, छोटा सा उपाय बता देता हूँ। आप वज्रासन में अगर बैठते हैं तो वज्रासन में बैठने से हमारी जो पैर की पिंडलियां रहती है, इनमें जो नलिकाएं रहती है, रक्त नलिकाएं रहती है, इसमें गंदा खून रहता है। वज्रासन में 3 से 5 मिनट बैठने से वेरिकोज वेंस के विकार दूर होते हैं, आपकी उभरी वेनस कम हो जाएंगे। और टेनिस एल्बो के लिए कुछ बोलेंगे? टेनिस एल्बो के लिए सर कैसा है कि ये बीमारी जो होती है, जो लोग हाथ उठा करके काम करते हैं, ऐसे करते हैं, ज्यादातर के काम करते हैं, उनको होती है। इसके अंदर में आपको जो जैसे अपने हाथ का जो व्यायाम किया ये कर लें, या फिर हाथों को स्ट्रेचिंग, ये देखिए मुझे देखिए आप, ये कर लें, ये करें, ये क्रिया करना आपको, इससे आपका टेनिस एल्बो कम हो जाएगा। ठीक है, इससे टेनिस एल्बो कम होगा आपका पूरा। और अगर इससे कम नहीं होता है तो किसी डॉक्टर की सलाह लेकर के जरूर दिखा दें एक बार। ये क्रिया है बहुत अच्छी, मीना जी कर रही, मैं देख रहा हूँ, बहुत सुंदर। तो ये क्रियाएं भी कर सकते हैं आप। अपन आप कभी और मिलेंगे सर, मेरा एक और मीटिंग है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।